केवल अस्पताल की बात नहीं है, इस समय चैलेंज पूरे समाज के सामने ये है कि व्यक्ति के मजबूरी का कोई फायदा ना उठाएं। कई जगह हैं जहां पे ओवर रेटिंग की शिकायत है, दवा की दुकान पे जाते हैं तो इंजेक्शन ज्यादा रेट में बिक रहा है, किसी दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो वहां पे सामग्री ज्यादा रेट में मिल रही है, किसी एम्बुलेंस को कोई किराए पे ले रहा है तो वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, किसी आपने अभी कहा कि अस्पताल में इलाज कराते हैं तो अस्पताल ज्यादा बिल ले रहे हैं। मेरा कहना यह है कि बहुत बड़ा संकट है, मानवीयता की वजह से हर व्यक्ति को अपने अपने प्रोफेशन में ईमानदारी बरतनी चाहिए, किसी को भी कहीं भी मजबूरी में जाना पड़ सकता है, अस्पताल वाले को शमशान घाट जाना पड़ सकता है, शमशान घाट पे काम करने वाले को अस्पताल जाना पड़ सकता है, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है, किसी को दवाई की पड़ सकती है, दवाई वाले को अस्पताल की पड़ सकती है। कृपया करके इस समाज को कम से कम काशी में इस व्यवस्था को खराब ना होने दें, मानवीयता का पहलू समझते हुए अपने प्रॉफिट मार्जिन को इतना ना बढ़ाएं कि वो पाप की श्रेणी में आ जाए और कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा प्रचारित हो जाए कि काशी के उस प्रोफेशन के नाम पे कलंक साबित हो। मैं नहीं चाहता कि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाए और इस मुश्किल की घड़ी में हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करा के FIR दर्ज करा के बाकायदा किसी गिरफ्तारी कराएं, किसी को नोटिस दें, किसी का अस्पताल या दवाई की दुकान बंद कराएं, किसी का लाइसेंस छीनने का प्रयास करें। मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से यह होगी कि आने वाले 2 दिन में कृपया करके काशी के सभी व्यापारी जो भी जिस ट्रेड से जुड़े हैं अपने अपने व्यापार की स्थिति को संभालें, इनके पदाधिकारी, इनके एसोसिएशन के अधिकारी ये सामने आए, जिम्मेदारी से अपने रेट लागू करें। 2 दिन में अगर ये रेट कंट्रोल नहीं हुए तो प्रशासन बहुत सख्त कार्रवाई करेगा, हम लोग छापेमारी कराएंगे, गिरफ्तारी कराएंगे और एग्जम्पलरी कार्रवाई कराएंगे कि समाज का कोई दुश्मन अगर समाज से इस समय में कोरोना के समय में जब किसी का पेशेंट एडमिट हो जाता है, 2-2, 3-3 लाख रुपए लगते हैं, पूरा परिवार मानसिक ट्रॉमा में होता है, उसकी मजबूरी का फायदा किसी ने उठाने की कोशिश की, हम ऐसी एग्जम्पलरी कार्रवाई करेंगे कि वो सारे लोग याद रखेंगे। मैं सभी व्यापारी नेताओं से, सभी संगठनों से, ड्रग एसोसिएशन से, IMA से, मेडिकल एसोसिएशन से और जितने भी डोम समाज हों, चाहे लकड़ी से जुड़े हुए व्यवसायी हों, मैं सबसे अपील करता हूं, आपके माध्यम से अपील करता हूं कि कृपया करके समाज के हित में काम करें। यदि किसी के साथ भी अन्यथा शोषण किया या मानसिक रूप से किसी को परेशान किया तो कहीं ना कहीं इसका दंड भुगतना होगा और प्रशासन भरपूर इसमें कार्रवाई करेगा। आने वाले 2 दिन में मैं सुधरने का मौका देता हूं, अगर 2 दिन में स्थिति नहीं सुधरती है तो मजबूरी में हमें कई व्यापारियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार बाद वो खुद होंगे।